हाँ तो भाई लोग, आज आपको बताने वाला हूँ कि ये पावर प्लग, जिसको पावर प्लग बोलते हैं हम, 6 एम्पियर 16 एम्पियर सॉकेट जिसमें होता है 240 वोल्ट, इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, पावर प्लग बोर्ड है, इस बोर्ड के वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए वायर कटर और टेस्ट। ठीक है, तो पहले इसको हम खोल लेते हैं। इस तरह से अंदर से इस तरह से दिखाई देता है। ये फ्यूज़ है, ये स्विच है, ये सॉकेट है, ये इंडिकेटर है। ठीक है, अभी इसकी वायरिंग कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले इसके नट खोल लेंगे। ठीक है, ये हो गया वायर, लेंगे वायर को छील कर डबल कर देंगे इस तरह से, और इसको डालेंगे पहला पॉइंट फ्यूज में। पहला पॉइंट फ्यूज में, ठीक है, इसको इतना काट लेंगे। इसको काट के इसको ऐसे करके दूसरा स्विच में, फ्यूज से स्विच में, फ्यूज से स्विच में। ठीक है, अभी दोस्तों ये इंडिकेटर का वायर है, अगर आप इसको ऊपर लगाएंगे तो ये इंडिकेटर जो है ये चालू ही रहेगा, हमेशा चालू रहेगा, और अगर आप इसको नीचे लगाएंगे तो ये बटन स्विच ऑन करने पर चालू होगा, ऑफ करने पर बंद होगा। ठीक है, तो हम इसको नीचे लगाएंगे, तो उसके लिए एक वायर काट लेंगे और, ठीक है, इसको डबल करके इसमें डाल देंगे, सॉरी टूट गया, और ये जो इंडिकेटर है इसको भी इसी में डाल देंगे। अब इसको यहाँ से काट कर इसको इसमें डाल दें। ठीक है दोस्तों, ये देखो पहला पॉइंट फ्यूज से स्विच में, फ्यूज से स्विच में, स्विच से प्लग में, इंडिकेटर एक स्विच में, एक ये प्लग में। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा फेस का वायर होगा वो फ्यूज में यहाँ पे लगेगा, और जो न्यूट्रल का वायर होगा वो यहाँ पे लगेगा, और ये रहा इसका फ्यूज, इसको आप काट के यहाँ से इसके ये दो नट खोल के यहाँ पे फ्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कंप्लीट वायरिंग।
तो दोस्तों अगर पसंद आए तो हम पर प्यार बरसाते रहो और लाइक और शेयर का बटन दबाते रहो, सब्सक्राइब भी कर लेना।